गुड मॉर्निंग क्लास नाइन सी चित्र आज मैंने बाईस तारीख को क्लास में रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड फ्रिक्वेंसी एंड वेव लेंथ बताया था इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं फ्रिक्वेंसी क्या होती है वेव लेंथ क्या होती है अब इसमें रिलेशन क्या है तो ये डेरिवेशन मैं करने जा रहा हूँ रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड फ्रीक्वेंसीड वेव ये मैंने एक वेव दिखा दी है जो अलोंग एक्स एक्सेस ट्रेवल कर रही है और वन वेव वन वेव यहाँ तक वन वेव होती है वन वेव कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता उसको है उसको टाइम पीरियड कहते हैं कैपिटल टी और वन टाइम पीरियड में वेव जितना डिस्टेंस कवर करती है वो वेव लेंथ होती है मैंने सपोज कर लिया है कि वेव जो है वो वी स्पीड से अलोंग एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रही है ठीक है एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैंने डिस्प्लेसमेंट ले लिया है लेट अ ट्रांसवर्स वेव इस तरह की जो वेव मैंने बनाई है ये ट्रांसवर्स वेव होती है Let a transverse wave produce in a medium, produce in a medium, travel with a speed, travel with a speed a small v. The distance covered by a wave, distance covered by a wave. In time period capital t is lambda now by the formula formula of speed is equal to distance upon time now by the formula speed is equal to distance upon time तो फिगर में देखिए आपको नजर आ रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर किया है डिस्टेंस की वैल्यू है लैमडा और टाइम कितना लग रहा है टाइम है टी और वेव की स्पीड मैंने सपोज कर रखी है कि वी है। तो ये सारी वैल्यू मैं इक्वेशन वन में पुट कर रहा हूँ पुट वैल्यू इन इक्वेशन वन पुट वैल्यू इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन में अगर मैं वैल्यू रख दूं तो v इज इक्वल टू हो जाएगा लैमडा अपॉन कैपिटल t बट लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि टाइम पीरियड जो होता है टाइम पीरियड कैपिटल t की जो वैल्यू होती है वो वन अपॉन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है इसमें न्यू फ्रीक्वेंसी है ये t की वैल्यू इक्वेशन टू में पुट कर रहा हूँ पुट कैपिटल टी इन इक्वेशन टू कैपिटल टी की वैल्यू का मैं इक्वेशन टू में पुट कर दूं तो वी इज इक्वल टू लैमडा अपॉन वन बाई न्यू इससे न्यू न्यूमरेटर में आ जाएगा तो वी इज इक्वल टू हो गया लैमडा इनटू न्यू ठीक है तो ये एक फाइनल फॉर्मूला आ गया कि वेव स्पीड जो होती है देयरफॉर वेव स्पीड वी वेव स्पीड इज इक्वल टू होता है वेवलेंथ इनटू इंटू फ्रीक्वेंसी लैमडा वेव है और न्यू फ्रीक्वेंसी है अब चिल्ड्रन वेव की कुछ और कैरेक्टेरिस्टिक्स होती हैं अब उसके बारे में हम लोग देख यस इम्पॉर्टेंट कैरेक्टेरिस्टिक्स ऑफ वेव साउंड वेव्स अब इससे पहली क्या है जो कैरेक्टेरिस्टिक uh, है साउंड वेव की है वो पिच पिच क्या होती है चलन पिच जो है साउंड वेव की एक टिपिकल फीचर है या एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो फ्रीक्वेंस पिच होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे जो ह्यूमन ईयर रिसीव करता है फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड करती है तो इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं कि पिच इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड वेव ऑफ ए साउंड वेव जो किस पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ऑफ ए साउंडिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी अपॉन द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाई ह्यूमन ईयर हम कितनी फ्रिक्वेंसी की वेव हमारे कान रिसीव कर रहे हैं उस पे डिपेंड करती है ह्यूमन ईयर ठीक है किस फ्रिक्वेंसी की वेव हम रिसीव कर रहे हैं वो हमारे कान रिसीव कर रहे हैं उस पर पिच डिपेंड करती है अगर किसी ये याद रखेंगे कि अगर फ्रिक्वेंसी हाई है इफ़ फ्रिक्वेंसी इज़ हाई उंड साउंड हैज हाई पिच ठीक है अगर मैं कह रहा हूँ पिच हाई है इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी भी हाई है और लो पिच साउंड हैज लो फ्रीक्वेंसी लो पिच साउंड हैज लो फ्रीक्वेंसी इसको अगर हम लोग ग्राफ में दिखाना चाहें तो फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकेंड इन दो वेव्स को देखिएगा इसमें नंबर ऑफ वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं पर सेकेंड कम है इसमें नंबर ऑफ वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं पर सेकेंड वो ज़्यादा है ठीक है तो पहले वाली फिगर में ये क्या होगा कि लो फ्रिक्वेंसी साउंड वेव है लो फ्रिक्वेंसी साउंड फ्रिक्वेंसी लो है तो इसकी पिच भी लो होगी इस फिगर में ये हाई फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव ज्यादा बन रहे इसका फ्रिक्वेंसी हाई है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव है ठीक है और फ्रीक्वेंसी जो होती है ज्यादा होने का मतलब है कि पिच ज्यादा है अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होती है साउंड वेव की वो है लाउडनेस लाउडनेस सेकेंड है लाउडनेस लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है जो वेव होती है उसके एम्पलीट्यूड पे। और एम्पलीट्यूड आप जानते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन होती है अगर एम्पलीट्यूड हाई है अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो उसका मतलब लाउड साउंड होगी जैसे मैं दो वेव बना रहा हूँ एक वेव मैंने ये बनाई और दूसरी वेव है तो इस वाले का जो सेकंड फिगर है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है ये एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए से लिखते ठीक है ठीके? और इधर मैंने टाइम लिया है इसका एम्पलीट्यूड कम है ए तो लो एम्पलीट्यूड अगर लो एम्पलीट्यूड है उसका मतलब है सॉफ्ट साउंड है लो एम्पलीट्यूड में साउंड कैसी होगी सॉफ्ट साउंड होगी और एम्प्लीट्यूड अगर ज्यादा है ठीक है लार्ज एम्पलीट्यूड अगर है लार्ज एम्पलीट्यूड अगर एम्पलीट्यूड लार्ज है तो उस साउंड जो होगी कैसी होगी लाउड साउंड होगी लाउड साउंड होगी ठीक है ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई पिच और जो पिच है इसी को श्रिलनेस भी बोलते हैं पिच को एक और नाम से भी जानते हैं श्रिलनेस सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक श्रिलनेस। थी लाउडनेस लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है तो साउंड जो होगी लाउड होगी अगर एम्पलीट्यूड कम है तो इसका मतलब है कि साउंड जो है वो सॉफ्ट है